और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित पर्वतारोहण कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में एडवेंचरस को भी सामान्य खेल की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी उसे पूरा भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल समेत कई मुद्दों पर विस्तार से जानकारी भी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को चंडीगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग एवं एडवेंचर क्लब की ओर से आयोजित पर्वतारोहण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में एडवेंचर को भी सामान्य खेल की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा, ताकि हमारे युवा अन्य खेलों की तरह एडवेंचर खेलों में भी अपनी धमक दिखा सके। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए हरियाणा में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा। एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर याद दिलाता है उस बचपन की, जब एडवेंचरस, क्योंकि गांव के रहने वाले हम लोग हैं तो ऐसे एडवेंचरस काम तो तरह तरह के वहां स्वाभाविक मिल जाते थे। ठीक है, थोड़ा शहरी वातावरण में उस प्रकार ढूंढना पड़ता है, गांव में तो और कुछ ना मिले, छोटा बच्चा जाकर के तालाब में छलांग मार देता और तैरना सीख जाता, वो भी अपने आप में एडवेंचरस होता है। एक जगह रात को हम खेलते थे तो पूरे गाँव का चक्कर काट लेते थे बाहर से, और कहीं भी वो छुपाने का काम, पत्थर छुपाने का काम, फिर ढूंढने का काम, दल बनते थे, 11-11, 12-12 बजे तक खेलते रहते थे। अपने आप में एक उस वातावरण के माध्यम से बहुत सा विकास बच्चों का हो जाता है। जब एडवेंचरस गेम पर एक सेमिनार चंडीगढ़ में एससी चौधरी जी उपस्थित थे वहाँ, तो जैसे ही इन्होंने विषय सारा रखा, मुझे भी वहाँ चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था, उसी 2016 के वर्ष में मन में आया कि आखिर एडवेंचरस गेम्स भी अपने आप एक थ्रिल पैदा करता नौजवानों में, उनका साहस बढ़ाता, उनकी हिम्मत बढ़ाता, उनमें एक अनुशासन पैदा करता है। तो आपको याद है कि नहीं, मैंने उसी समय कहा था मोरनी में हम एक एडवेंचरस गेम का एक संस्थान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के गांवों के जीवन में एडवेंचर रचा बसा है, इसलिए युवाओं को ट्रेनिंग देकर एडवेंचर स्पोर्ट्स के व्यवसाय में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1000 युवाओं को एडवेंचर प्रशिक्षण देकर काबिल बनाया जाएगा। किया है कि हम 1000 ऐसे युवाओं को इन एडवेंचर खेलों के लिए खेल यानी सिखा करके वो अपने व्यवसाय के रूप में उसके ऊपर करें, और उस नाते से हमारा काम शुरू भी हो गया। 30 एक नौजवानों की ट्रेनिंग ये पूरी हो गई है जो वहाँ इस समय टिकरताल में और बाकी पहाड़ी में उन लोगों को व्यवसाय के नाते आगे बढ़ाए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मोरनी में सरदार मिल्खा सिंह क्लब की स्थापना की गई है, जिससे इस क्षेत्र में कई गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके अलावा युवाओं के लिए अरावली की पहाड़ियों में भी ट्रेनिंग के रास्तों की तलाश की जा रही है, ताकि दक्षिण हरियाणा में भी एडवेंचर स्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और युवाओं को स्पोर्ट्स स्किल में आगे बढ़ाना सरकार का दायित्व है, ताकि वे देश के अच्छे नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ऐसे कार्यक्रम लेकर आ रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनकर देश को प्रगति की ओर ले जा सके। सराया, पिछले साल हमने टिकरताल में नाम रखा था सरदार मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब, वो क्लब हमने बनाया और उस एक झील का उपयोग इस प्रकार के सब खेलों के लिए वो हमने प्रारंभ कर दिया है। हमारे हरियाणा में चोटी एक, मतलब पहाड़ी तो एक मोरनी ही है, इसके अलावा थोड़ा जो दक्षिण में जो हमारी पहाड़ियां हैं अरावली की, उसमें कुछ झीलें मिलती हैं, कुछ थोड़ा इस प्रकार के ट्रैकिंग के रास्ते मिलते हैं, लेकिन इसका भी उपयोग हम कर रहे हैं ताकि इस प्रकार के एडवेंचर्स के जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, उनको बढ़ावा दें, और बल्कि जो जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, वो वहाँ आए, आकर के उसका आनंद लें, और इस खेलों को कामयाब करने के लिए, इनका ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे जो युवा हैं उनको हम ट्रेंड। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा, सुरक्षा और स्पोर्ट्स में हरियाणा नंबर 1 पर है। देश की 2% आबादी के बाद भी हरियाणा की युवाओं ने 19% से अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। हरियाणा खेलों में देश की राजधानी है। इसका परिणाम खेलो इंडिया में देखने को मिला है और हरियाणा देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। ऐसे ही स्पोर्ट्स, किसी प्रकार के स्पोर्ट्स हो, उसमें भी देश की कैपिटल है हरियाणा, और देश की कैपिटल हरियाणा है तो हम चाहते हैं कि हर एक युवा अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में जरूर रुचि ले। यानी पहले पुराने समय में तो कहते थे
कि खेलोगे कूदोगे बनोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज खेलने कूदने वाला भी नवाब है, पढ़ाई कराए लिखना वो भी अच्छा है, पढ़ाई भी करनी है, उसको तो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना ही है, लेकिन खेल कूद में भी पीछे नहीं रह सकता। उसके लिए प्रोत्साहन के नाते से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ युवा खेल एवं अन्य गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं। वर्तमान समय में खेलने कूदने वाले भी नवाब बन रहे हैं और किसी से पीछे नहीं रह रहे हैं। चंडीगढ़ से कविता सैनी की रिपोर्ट।